और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर यह स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए भी मैं गुजरात शहर सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कल जब मैं सारे क्षेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहां गाइड के रूप में यहीं आसपास के गांव की हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस गहराई के साथ सभी सवालों के जानकारी के साथ, त्वरित उत्तरों के साथ मुझे गाइड कर रही थी, मैं सच में बताता हूं मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। मेरे देश की, गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। मैं उन सभी बच्चों को, इतने कम समय में उन्होंने जो महारत हासिल की है और इसमें एक नया, एक प्रकार से एक्सपर्टाइज को जोड़ा है, प्रोफेशनलिज्म को जोड़ा है, मैं उनको भी आज हृदय से मेरी आदिवासी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये भी अद्भुत संयोग है कि आज ही महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, जिस भारत को अनुभव करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। राष्ट्र को, मातृभूमि को सबसे बढ़कर मानने का महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था,
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमय मले अंगल मलये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्ले इन्नरु नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिर एदु वेरे पन्नरुम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलिर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोम इंते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, गुलामी के कालखंड में भी सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं, आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत के लिए इस अद्भुत भावना को आज हम यहां मां नर्मदा के किनारे सरदार साहब की भव्य प्रतिमा की छांव में और करीब से महसूस कर सकते हैं। भारत की यही ताकत हमें हर आपदा से, हर विपत्ति से लड़ना सिखाती है और जीतना भी सिखाती है। आप देखिए, पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा।
ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। देश ने उनके सम्मान के लिए दिए जलाए, सम्मान व्यक्त किया। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे अनेक पुलिस के होनहार साथियों ने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आजादी के बाद मानव सेवा के, सुरक्षा के लिए जीवन देना इस देश के पुलिस बड़े की बेड़े की विशेषता रही है। करीब करीब 35,000 मेरे पुलिस बेड़े के जवानों ने आजादी के बाद बलिदान दी है। लेकिन इस कोरोना कालखंड में सेवा के लिए, दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पुलिस के बेड़े के जवानों ने, कईयों ने सेवा करते करते खुद को ही समर्पित कर दिया। इतिहास कभी इस स्वर्णिम पल को कभी भुला नहीं सकेगा। और पुलिस बेड़े के जवानों को ही नहीं, 130 करोड़ देशवासियों को पुलिस बेड़े के वीरों के एक समर्पण भाव को हमेशा नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का एक साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से एक साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे,
बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था, उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। साथियों, आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी हो। सरदार साहब भी कहते थे और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था और कहते थे। साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे जब जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर घड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में
खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्त भोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। हम तो वो लोग हैं जिनको प्रेरणा मिली है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम वो लोग हैं जिन्होंने आत्मसात किया है वसुधैव कुटुंबकम की, यही तो हमारी जीवन धारा है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत ने समूचे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, भारत एक विचार, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। हमारी ये राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से हम सबसे मिलकर ही बनता है। और इसकी बहुत बड़ी ताकत भारत की विविधता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, अलग अलग तरह के परिधान, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौटेंगे।